आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। आज की कड़ी में हम महान राष्ट्रवादी बिपिन चंद्र पाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 मई 1932 को हुआ था। वे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक यानी लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी में शामिल थे। आमादेर भांगा गोड़ा तुम्हार हाते एमन अभिमान तुम्हादेर एमनी अभिमान। बिपिन चंद्र पाल बंगाल टाइगर के नाम से लोकप्रिय थे। उन्हें सर्वाधिक स्वतंत्र और मुखर चिंतकों में शामिल किया जाता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष में विद्यार्थियों की भागीदारी को रोकने के लिए दमनकारी उपाय किए। उनमें से एक कार्लाइल सर्कुलर था जो बंगाल के मुख्य सचिव टॉमस कार्लाइल ने जारी किया था। बिपिन चंद्र पाल ने उस सर्कुलर का कड़ा विरोध किया। वे राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित शिक्षा के पक्ष में थे। इस बारे में उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था, हमारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में राजनीति के लिए निषेध क्यों होना चाहिए? क्या वे इंग्लैंड में ऐसा करते हैं? क्या इंग्लैंड के सरकारी स्कूलों में भी राजनीति की निंदा की जाती है? विश्वविद्यालयों में क्या वे देशभक्ति और शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा नहीं करते? वास्तव में वे दिन के ज्वलंत राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। बिपिन चंद्र ने मृत्यु पर्यंत राष्ट्र सेवा जारी रखी। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का शत शत नमन।